ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा देश मणिपुर को भूल चुका है, देश के जमीर से मणिपुर उतर गया है। कुछ दिन पहले, 7 महीने गुजर गए थे, मैं मणिपुर के सड़कों पर बहुत घंटों तक गुजरता रहा और एक तरफ प्रदेश की बेहद खूबसूरती को मैं देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत साफ था कि वहाँ की जो हिंसा है, नफरत है, डर है, दर्द है, वो और गहरा ही हुआ है। चुराचांदपुर जो पहाड़ों में आता है, वहाँ के लोगों ने एक ये बहुत जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि शांति तो हमें चाहिए लेकिन पहले हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन आज तो ऐसा दिख रहा है कि शांति और इंसाफ दोनों ही बहुत दूर हैं मणिपुर के लोगों के लिए। एक किस्म का बॉर्डर सा बन गया है वहाँ। एक तरफ कुकी समाज के लोग, एक तरफ मैती समाज के लोग, और वो बॉर्डर जैसे दो जो जो दो देशों के बीच के जैसे बॉर्डर होते हैं, उससे भी ज़्यादा कठोर सा बॉर्डर बन गया है इन दो समूहों के बीच में। जो घाटी है उसमें मैती लोग रहते हैं और पहाड़ में कुकी लोग रहते हैं। बीच में फौज के, BSF के, मणिपुर पुलिस के अलग अलग बैरियर्स हैं जहाँ जहाँ से गुजरना पड़ता है, और बिल्कुल जैसे लगता है कि आप किसी युद्ध क्षेत्र में हैं। कुछ महीने पहले कारवाने मोहब्बत के साथियों के साथ में जब वहाँ था, वही स्थिति, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, वही बॉर्डर उसी तरह से कायम है, और उस वक्त गोलियाँ ज़्यादा उड़ रही थी, बम एक्सप्लोड हो रहे थे। आज कम है लेकिन है आज भी, और दोनों तरफ हम देखें तो जले हुए घर, मकान, गांव दिखते हैं। बैरियर्स में महिलाओं का भी एक बैरियर है, दो बैरियर्स हैं, पर महिलाएं भी जांच करते हैं कि आप कोई हथियार नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कोई ड्रग्स भी आप नहीं ले जा रहे हैं। एक सिपाही इन चेक पोस्ट पे मुझे मिले, वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव के हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में जब से ये पूरी हिंसा शुरू हुई तब से मैं यहाँ हूँ, और उन्होंने कहा कि मुझे बेहद दुख लगता है, महीनों महीनों से लोग कैंपों में जिस तरह से रह रहे हैं, भोजन खाने का इंतज़ाम नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मुझे नहीं मालूम कि ये कब ख़त्म होगा, ऐसा वो सिपाही ने मुझसे कहा। जिस बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्वरूप समझने के लिए ये सोचिए कि कुकी समाज के 10 MLA हैं, उनमें से एक मंत्री भी हैं, लेकिन जब से ये हिंसा शुरू हुई है वो भी चुराचांदपुर पहाड़ों से घाटी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी खतरा है कि उनकी जान कोई ना नहीं ले 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 और उसी तरह से पुलिस के लोग, डॉक्टर, टीचर, कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो भी बट गए हैं। कोई पहाड़ों में कोई मैती थे तो वो सब भाग के घाटी में आ गए, घाटी में कोई कुकी थे तो वो पहाड़ों में चले गए हैं, और अब एक दूसरे के बीच में मूवमेंट संभव नहीं है। इसका ये मतलब है, उदाहरण के तौर पे चुराचांदपुर पहाड़ों में एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो मैती डॉक्टर्स थे वो छोड़ के चले गए हैं, और कई स्पेशलाइजेशंस बिल्कुल खाली हैं। लेकिन इस बॉर्डर के बारे में हम और भी सोचें तो उससे जो मानव दर्द जो उसने पैदा किया है,
इन 7 महीनों तक 109 शव थे कुकी के लोगों के, जो इम्फाल के अस्पताल में अभी भी पड़े थे। 14 दिसंबर को ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण से उन लाशों को एयरफोर्स के प्लेन्स में वो ले गए हैं। लेकिन इतने 7 महीनों तक वो लाश वहीं पड़े रहे, क्योंकि जो एक तरफ जो कुकी समाज के लोग पहाड़ से जो उनके रिश्तेदार थे वो नहीं आ सके, क्योंकि उनको डर था कि उनको मार नहीं दिया जाए, और सरकार और वहाँ का जो समाज है उसने इजाज़त नहीं दी कि ये जो लाश हैं उनको वहाँ ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि ये लाशें इसलिए पड़ी हैं कि ज़्यादातर ये घुसपैठियों की लाशें हैं, सरकार समाज ने इतने महीनों को गुजरने के बाद भी जिनके प्रियजन इस हिंसा में मारे गए हैं उनकी लाश तक भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये जो बॉर्डर है इसका एक और परिणाम है कि वहाँ के जो नागरिक समूह हैं, महिला समूह हैं, वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि ट्रक जाएं, ट्रक में भोजन की व्यवस्था हो सकती है, दवाइयाँ हैं, ज़रूरी रोज़मर्रे की ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। और इसके अंजाम में चूड़ाचांदपुर में जो अस्पताल है उसके लिए दवा और जो मरीज़ हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी वहाँ के लोकल लोगों को इंतज़ाम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ के पहाड़ में जो समाज कुकी समाज है उन्होंने एक स्मारक बनाया हुआ है उन 150 से ज़्यादा लोग की याद में जिनकी जानें इस हिंसा में गई हैं। सामने स्मारक के सामने काले रंग के ताबूत हैं, कॉफिन्स हैं जो पड़े हुए हैं लाशों के इंतज़ार में एक तरह से। पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर टंगी गई हैं तस्वीरें, हर व्यक्ति का, बच्चा, पुरुष, महिला, बुज़ुर्ग जिनकी जाने गई हैं उन सब की तस्वीरें, उनके नाम हैं, फूल प्रियजन वहाँ रखते हैं उन सब की याद में, लोग इकट्ठा होकर वहाँ फूल रखते हैं। और एक और दीवार है जहाँ पर लोग लिखते हैं ऐसे कि आप मरे नहीं हैं, आप अभी भी जीवित हैं, आपका खून बिना कारण बहा नहीं है, और आपने अपनी जान इसलिए दी है ताकि हमें कल हमारा कल सुनहरा हो सके। लगभग 45,000 लोग उस हिंसा के वक्त से आज भी कैंपों में पड़े हैं। 120 रिलीफ कैंप में पहाड़ों में हैं और संख्या में घाटी में हैं। और इनमें जो पहाड़ों में जो कुकी समाज के जो ये रिलीफ कैंप हैं उसमें सरकार बिल्कुल ही अदृश्य, अनुपस्थित है, लोगों के ऊपर ही अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी एक तरह से उन्हीं लोगों पे डाली गई है जो इस हिंसा से, इस इतनी बुरी तरह से इस हिंसा से गुजरे हैं, जिनके गांव घर जला दिए गए हैं, जिनके प्रियजन मारे गए हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, वही व्यवस्था भी कर रहे हैं और बहुत सीमित साधन हैं, बहुत गरीब इलाका है, खाना बहुत साधारण सा खाना है, सफाई का इंतज़ाम भी करना मुश्किल है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और हर कोने में दुख ही दिखता है जब आप वहाँ जाते हैं। लेकिन साथ में
कहीं लोगों को भी अपने दुख से को बांटने के तरीके उन्होंने ढूंढे हैं। लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं तो इस सब के बीच में बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आती हैं। एक तरह से उनका वतन, उनका घर, उनके प्रियजन, एक पूरी ज़िंदगी का जो तरीका है वो सब उन्हें खो लिया है। और उसका एक परिणाम ये भी है कि वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि नशे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, खास करके नौजवान, वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है। इसी दुख में लोग उससे जूझने में यही एक तरीका उनका निकाल पाया है। और जो राशन की व्यवस्था है, थोड़ा बहुत सरकार से आता है जो ड्राई राशन है, लेकिन बाकी सब व्यवस्थाएं वहाँ के आम लोग ही इकट्ठा करते हैं। अंदाजे में लगभग 5,500 घर जला दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 300 गांव पूरी तरह से जला दिए गए हैं। इस सब से लोग गुजर रहे हैं, वहाँ के लोग ही ये इंतज़ाम भी कर रहे हैं। इतने 7 महीनों के गुजरने के बाद एक बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग घर लौट पाए हैं, कुछ 100 लोग भी ही, और वो भी नौजवान मर्द हैं जो अपने जान को जोखिम में भी करके खेतों में काम करने के लिए जाते हैं ताकि वो कुछ कमा पाएँ, ताकि कैंपों में उनके परिवारजनों को वो खाना या कोई इंतज़ाम कर पाए। लेकिन ये अब साफ है वहाँ के लोगों के लिए कि ऐसे हालात बन गए हैं कि अब ये दो समाज, कुकी और मैथी के लोग इकट्ठा नहीं रह पाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। बहुत डर है, जो पूरा एक विश्वास के साथ लोग एक साथ रहते थे वो पूरी तरह से टूट गया है। और उनका कहना है कि हम लोग अब कैसे एक बार फिर उस डर में से एक बार फिर गुजरने लगें कि कोई हमारा घर जला देगा, हमारे गांव जला देगा। सरकार की तरफ से किसी तरह से भी कोई पश्चाताप या कोई जिसे एक रिग्रेट जिसको कहते हैं, उसका कोई कुछ नहीं हुआ है। और बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस के ही आर्मरीज से हथियार, आधुनिक हथियार जो लूटे गए थे, जिसका इस्तेमाल इस हिंसा के लिए हो रहा है, जो एक युद्ध का स्वरूप, वो दंगा का स्वरूप बिल्कुल नहीं है, एक युद्ध का स्वरूप है। इन आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करते हुए उसमें भी कोई उसको रोकने का कोई खास इंतज़ाम नहीं हुआ है। नफ़रत का जो फैलाव सोशल मीडिया में, अखबारों में हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, और इंसाफ के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए कुकी समाज के लोग ये सोच रहे हैं, अब जो उन्होंने मुझसे बांटा, कि अब हम लोग मिले जुले बस्तियों में नहीं रह पाएंगे। और जो उनका जो परंपरागत तरीका था कि वो पहाड़ों में खेत बनाते थे, छोटे छोटे मतलब गांवों कस्बों में रहते थे, उस तरह से अब वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे गांव अब इकट्ठा होके एक नया किस्म की आबादी, जहाँ पे उनकी सुरक्षा इसमें होगी कि उनकी संख्या बड़ी मात्रा में है, इस तरह से पीढ़ियों के, सदियों की उनकी जो जीवन शैली, उस सब को वो उनको छोड़ने का, पीछे छोड़ने का के लिए अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं कि रिलीफ कैंपों में अब कितनी देर तक रहेंगे, और पुराने बस्तियों में वो जा नहीं सकते क्योंकि डर बहुत है। तो यही तीसरा विकल्प है कि वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बड़े बड़े आबादियों में, नए शहर एक तरह से बना कर ही रह पाएंगे।
ये सब वो मुझे बता रहे थे, मैंने कहा कि मुझे बेहद दुख है, अफसोस है कि अब आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप अपने मायती पड़ोसियों के साथ इकट्ठा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इतनी उम्मीद है कि एक दिन फिर भी आएगा जहां अगर आप इकट्ठा नहीं भी रह रहे हैं, कम से कम जो पुराना एक विश्वास था, एक रिश्ता था, एक सद्भावना थी। मायती और कुकी समूह के बीच के जो रिश्ते हैं और विश्वास है, एक दिन हम फिर से उसको बना पाएंगे। एक रिलीफ कैंप में एक नेत्रहीन बच्चा हमें दिखा जब मैं जा रहा था, जो बहुत मतलब अच्छी तरह से वो बात कर रहा था, अपनी माँ से कई सवाल पूछ रहा था। तो हम बैठे और मैंने पूछा कि ये बच्चा क्या सवाल पूछ रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा पूछ रहा है कि क्यों लोगों ने हमारा गांव जला दिया। और मैं सोचने लगा कि किस तरह से, कब हम क्या जवाब इस बच्चे को दे पाए।